और अच्छे लोग इतने ज्यादा बढ़ गए, इतने ज्यादा बढ़ गए कि आपस में मिलने लगे और खुद काम करना शुरू कर दिया। सभी जितने भी समण संगी हैं वो लगभग 400-500 साल बाद दोबारा से एक्टिवेट हो गए और लगातार लगातार एक्टिवेट होते जा रहे हैं, क्रियाशील होते जा रहे हैं। कुछ लोग आज ट्रेन में हैं, कुछ पहुंच गए और कुछ ट्रेन में चढ़ने वाले हैं, जो बाहर से आने वाले हैं, और जो अपनी अपनी कार से आने वाले हैं या बस से आने वाले हैं वो लोग कल चलेंगे या परसों सुबह सुबह चलेंगे। जिसका जितना दूरी है उसी के हिसाब से चल रहा है। मुझे याद पड़ता है कि जब वी द पीपल स्टार्ट हुआ था, समर संग स्टार्ट हुआ था, क्योंकि समर सब तो बहुत पहले आरंभ हो गया था, जब हमने 2019 के अंदर एक सारे संगठनों की संगति की थी आंध्र भवन में, तो वहां हमने समण समाज कहा क्योंकि वो संघ नहीं था उस समय, और वही समण शब्द धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता पूरे देश और दुनिया में छा गया। तो हम यहां जब बात करते थे और चीत करते थे और निकल के बातचीत आती थी तो ये आती थी कि भाई हमारा अगर कोई बच्चा है जो केरल में रहता है और उसको अगर दिल्ली आना हो तो उसको दिल्ली में मिलेगा कौन, कौन उसकी मदद करेगा अगर उसका कोई रिश्तेदार नहीं, अगर उसका कोई जान पहचान का नहीं, तो वो दिल्ली में किसके पास जाएगा? उसको दिल्ली में टैक्सी वाला लूटेगा, ऑटो वाला लूटेगा, होटल वाला लूटेगा, उसका काम हो या ना हो, क्या उसके साथ परेशानी आ जाए, कोई केस बन जाए, कोई सेहत हो जाए, कोई एक्सीडेंट खराब हो जाए, बीमार पड़ जाए, कहीं किराए का मकान लेना पड़े, तो कैसे लेगा, कौन उसकी मदद करेगा, कौन उसका यहाँ मदर फादर होगा जो उसकी बात मानेगा और उसकी करेगा? क्योंकि हमने उस समय जब बात करते थे तो हम ये देखते थे कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं हमारे अपने समणों को छोड़कर, उन सबकी बड़ी बड़ी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन, उनके संघ बने हुए हैं, और वो क्या काम करते हैं कि सिर्फ फोन पर या चिट्ठी से उनकी खबर आती है कि फलाना लड़का आ रहा है वो मेरा है, फलाना बच्चा आ रहा है वो मेरा है, फलाना आदमी आ रहा है इसका ये काम कराना है, और वो लोग सारे उसको बोल देते हैं और उसका काम हो जाता है। यानी जैसे यहाँ से कोई आँख के अस्पताल के लिए चेन्नई गया और चेन्नई में जाके उसे ऑपरेशन कराना या कुछ कराना है, तो बेशक चाहे टेलीफोन हो या ना हो, बेशक चाहे चिट्ठी होना हो, वो एक कागज भी अगर लिख देता है कि ये हमारे समाज का आदमी है, हमारे संघ का आदमी है, तो उसके लोग वहाँ उसकी पूरी मदद करते हैं, पूरी, उसको पैसे भी बचाते हैं, उसको रहने की मदद भी करते हैं, उसका ऑपरेशन ठीक करते हैं, उसका इलाज भी ठीक करते हैं, सारा काम करते हैं। पर हमारे यहाँ तो हालत ये है कि जो हमारे चौराहे पे खड़े हुए हमारे लोग जो भीख मांग रहे हैं वो भी ये नहीं जानते कि वो आपस में भाई भाई हैं, उनको भी नहीं पता कि वो आपस में सगे भाई हैं और कितने पुराने उनके रिश्ते हैं। तो ये बात हमको बहुत पिछड़ा करती है और हम अपने रिसोर्सेस को, अपने संसाधन को एक दूसरे से नहीं बांट रहे हैं, नहीं बांट पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करें? तो ये बात तय हुई कि भाई हमको अपने पुराने संघ में जाना चाहिए, अपने समर संघ में जाना चाहिए और हमको रिश्ता बनाना चाहिए, आपस में मिलना जुलना चाहिए और एक दूसरे को पहचान करनी चाहिए और पहचान बढ़ानी चाहिए। वो पहचान बढ़ाने के लिए यहां हम जब इकट्ठे हुए तो कोई आदमी महाराष्ट्र से अपने आप जुड़ गया, जोड़ा नहीं किसी ने, बस लिंक गया, लिंक देखा, उसने देखा कि अरे यहां तो जुड़ने जोड़ने की बात है, वो जुड़ गया। कोई आदमी गुजरात से जुड़ गया, कुछ को हमने फोन किए, कुछ उन्होंने फोन किए, कुछ को लिंक भेजे गए और लिंक भेजने की एक लाइन सी लग गई, और क्या राजस्थान और क्या पंजाब और क्या बिहार और क्या हरियाणा और क्या उत्तर प्रदेश और क्या दिल्ली, सारे लोग आपस में मिलते चले गए, जुड़ते चले गए। बड़ा हंसी खुशी का वातावरण खूब बढ़िया रह जाता था, खूब बढ़िया हंसी मजाक यहाँ चलती थी और एक दूसरे को जान पहचान होने लगी। ये जान पहचान होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि कोई किसी को इससे पहले जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, कोई एक दूसरे का नाम भी नहीं जानता, नाम भी सबके टेढ़े मेढ़े होते हैं। केरल वालों का नाम आप बोल ही नहीं सकते, तमिल वालों का नाम आप बोल नहीं सकते, वो आपका नाम नहीं बोल सकते, पर हैं हम सारे भाई। बाबा साहब अम्बेडकर की पहचान, बुद्ध की पहचान, ज्योतिबा फुले की पहचान, पेरियार की पहचान, ये सारी पहचान हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं और बताती हैं कि हम समण हैं और हम आपस में भाई हैं। तो ये काम चलने लगा। जब ये काम चलने लगा तो ये बात हुई कि भाई क्या वर्चुअली मिलते रहेंगे, क्या जूम पर ही मिलते रहेंगे, क्या एक्चुअल नहीं मिलेंगे क्या? तो एक्चुअल मिलने की तड़प हुई और एक्चुअल मिलने की तड़प में
आनन फानन के अंदर कार्यक्रम लगा पानीपत के अंदर, और पानीपत में बहुत बढ़िया शानदार कार्यक्रम चला, सब लोग आए, बड़े प्रस्ताव पास हुए, सारी बात हुई। लोग जब इकट्ठे होते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, पर पॉजिटिव एनर्जी उन्हीं के लिए पैदा होती है जो अंदर से पॉजिटिव होते हैं, जो अंदर से नेगेटिव होते हैं उनके लिए नेगेटिव एनर्जी भी पैदा होती है। यानी कि जो व्यक्ति मन में लालच रखेगा, मन में कोई ना कोई घृणा रखेगा, मन में कोई ना कोई द्वेष रखेगा, मन में कोई ना कोई उससे जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनसे कोई अपना संसाधन कोई काम निकालने की कोशिश करेगा, या जिसको प्रसिद्धि या जिसको प्रशंसा या जिसको पद या जिसको पोस्ट या जिसको पैसा या जिसको नेतागिरी, कोई भी तरह का राग या द्वेष अगर उसके अंदर होगा तो वो निगेटिव एनर्जी पैदा करता है। और अगर मिलना जुड़ना जोड़ना और सिर्फ देना देना है, देना देना है, देना देना है, लेना कुछ नहीं है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी पैदा करेगा। तो दो तरह की एनर्जियां पैदा हमेशा होती हैं पूरी दुनिया में, ये कोई अपवाद नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई नया नया नियम है। ये बुद्ध के साथ भी होता था, ये डॉक्टर अम्बेडकर के साथ भी हुआ है, ये पेरियार के साथ भी हुआ है, ये कबीर के साथ भी हुआ है, ये सम्राट अशोक के साथ भी हुआ है, ये सबके साथ होता है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि दो तरह की बात हमेशा होंगी, एक खराब और एक अच्छी। तो यहाँ जो अच्छे लोग थे वो रुकते रहे रुकते रहे रुकते रहे, और जो खराब थे वो फिल्टर होकर जाते रहे जाते रहे जाते रहे, अच्छे लोगों का जमवाड़ा लग गया, और अच्छे लोग इतने ज्यादा बढ़ गए, इतने ज्यादा बढ़ गए कि आपस में मिलने लगे और खुद काम करना शुरू कर दिया। किसी ने काम करने के लिए कहा नहीं, ना कोई तनख्वाह दी, ना कोई पद, ना कोई पोस्ट, ना ना कोई संगठन बना, ना कुछ बना, बस संघ के रूप में एक दूसरे से मिलने लगे, बातचीत करने लगे, जुड़ने लगे, जुड़ने लगे, जुड़ने लगे, जुड़ने लगे। और ये बात समझ में आने लगी कि जुड़ना और जोड़ना ही हमारी मुक्ति का रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है जो हमें बचा सके या जो हमें मुक्त कर सके या जो हमारे बच्चों को बचा सके। ये बात जिन जिनको और जैसे जैसे समझ में आती गई वो दुगुने उत्साह से लगते रहे, और जो संगठनों में उलझे रहे, जो पद पोस्ट में उलझे रहे, जो अपने लालच में उलझे रहे, जिनको अपनी प्रसिद्धि और अपनी नेतागिरी और अपना चेहरा और अपनी चमक और अपनी इज्जत और अपनी बेइज्जती प्यारी रही, वो पिछड़ते चले गए। ये दुनिया का सिद्धांत है, ये दुनिया का नियम है, जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ के काम करता है दुनिया उसको आगे ले जाती है, और जो व्यक्ति सब कुछ पकड़ के काम करता है उस पर इतना वजन हो जाता है उस पकड़ का कि दुनिया उसे पीछे कर देती है, वो खुद ही पीछे हो जाता है। पर समण संघ में अधिकतर लोग आगे ही आए, बहुत कम लोग ऐसे हैं, वो भी दोबारा आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। समझ में नहीं आता क्योंकि 70 साल बाद संगठन से संघ की तरफ जा रहे हैं तो समझ में नहीं आता, और बहुतों को तो यकीन भी नहीं होता कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या, और ऐसा हो रहा है। ये देखकर बहुत सारे लोगों को रोमांच पैदा होता है कि अरे ये तो वास्तव में काम कर रहा है, ये तो ऐसा हो रहा है, ये तो ऐसा चीज चीज हो रही है। कोई किसी को नहीं जानता कौन कौन व्यक्ति कहाँ है कैसा है, आज वो परिवार की तरह रिश्ता बढ़ता जा रहा है। आज जो 15 तारीख की जो मीटिंग है उसमें मुझे खबर आ रही थी, एक सज्जन कह रहे थे भाई मैं 1000 बिस्कुट के छोटे छोटे पैकेट ले आऊं, एक सज्जन कह रहे थे भाई मैं केले ले आऊं, एक सज्जन कह रहे थे कि हम हरियाणा से आएंगे तो कुछ ना कुछ खाने का लेके आएंगे। अभी लेके आना चाहिए, खाने का लेके आना चाहिए, अगर खाने का अपने भाइयों ने खाना ज्यादा है कोई बात नहीं, पर लेके आना चाहिए कुछ ना कुछ, पानी तो सबको लेके आना चाहिए, खाना लेके आना चाहिए, एक दूसरे को दे देना चाहिए। भाई मिलोगे तो दोगे क्या, उसे खिलाओगे क्या, तो एक दूसरे से मिलने का इससे बढ़िया फेस्टिवल, इससे बढ़िया मौका कोई है नहीं। अगले दिन बुद्ध पूर्णिमा है और आप बुद्ध पूर्णिमा की संध्या को मिल रहे हैं, दुनिया का सबसे ग्रेट दिन की पूर्व संध्या है, सबसे ज्यादा लोग मनाते हैं, खुशियां उस दिन चारों तरफ फैलती हैं। ये सारी बातें जितनी भी हैं ये कई बार सपने जैसी लगती हैं कि कब एक साल इकट्ठे होते 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 हाथ से चला गया, एक साल चला गया, पर एक साल इकट्ठे होते होते हाथ से गया क्या, हमारे पास कई हजार आदमी, कई हजार परिवार के लोग, कई हजार बच्चे, कई हजार महिलाएं, कई हजार, बल्कि मैं कहूँ लाखों, क्योंकि अगर 1000 से ज्यादा लोग दिल्ली आ रहे हैं अपने भाई बहनों से मिलने, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आना चाहते हैं आ नहीं पा रहे, बहुत सारे कारण हैं। और 1000 लोगों के पीछे परिवार कितने हैं, एक एक आदमी के साथ 10-10 परिवार जुड़ा हुआ है, और एक एक परिवार में दो दो चार चार लोग होते हैं, तो 40-40, 50-50 आदमी से जुड़ा हुआ है। तो 1000 आदमी अगर आ रहे हैं तो 40-50 हजार लोग जुड़ गए, ये तो पक्के हैं, जो समण संघी हैं, जो नहीं आ पाए वो अलग हैं। तो 1, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख आदमी ऐसे हैं जो समण संघ की पक्के समझ में आ चुका है, जिनकी बात आ चुकी है। ये परिवार रुकने वाला नहीं है, ये परिवार अब बहुत बढ़ेगा। इसका कारण ये है कि इस परिवार की एक खास बात है कि जैसे हलवाई चाशनी बनाता है और चाशनी जब बनाते बनाते उसको गर्म करता है तो उसमें से जो गंदगी निकलती है, मैली निकलती है, तो वो थोड़ा सा दूध डालता है, दूध फटता है, फिर वो मैली निकलती है और उसको फेंक देता है, फिर वो दोबारा उसको पकाता है, फिर दूध डालता है, फिर मैली निकलती है, फिर फेंक देता है।
ये प्रोसेस वो लगातार लगातार करता रहता है जब तक उसमें से गंदगी आती रहती है। फिर गंदगी बहुत कम हो जाती है तो वो प्योर चाशनी बन जाती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चाशनी, बहुत बढ़िया चाशनी बन जाती है। वैसे ही समण संघ अपने आप को पका रहा है, ये लगातार लगातार पकाता है। इसमें से जो गंदे नियम होते हैं, गंदी बातें होती हैं, जो तोड़ने की बात होती है, जिसमें कहीं नेतागिरी की बात हो या जिसमें कहीं चुनाव की बात हो या राजनीति की बात हो या पैसा इकट्ठा करने की बात हो या प्रसिद्धि की बात हो या पद की बात हो या कोई लालच हो या प्रतिष्ठा हो या मान सम्मान हो, उसको निकाल देता है। फिर कोई ना कोई गंदगी आती है, फिर निकाल देता है, फिर कोई ना कोई गंदगी आती है, फिर निकाल देता है। ये जो फिल्ट्रेशन का इसका प्रोसेस है, ये इसको अजर अमर बना के रखे हुए है अभी तक। इसीलिए ये हमारे हाथ में आ गया। अगर ये अजर अमर नहीं होता तो ये हमारे हाथ में नहीं आता और हमें नहीं मिलता। तो हमें मिल गया, और हमें मिला तो बाकायदा नियमों के साथ मिला, पूरा कंप्लीट मिला, और बाकी इसके नियम खुद ब खुद बनते जाते हैं, खुद ब खुद बनते जाते हैं, कोई बनाता नहीं है। इसलिए ये रुकेगा नहीं। इसलिए कोई अगर रुकना चाहे तो रुक जाए, वो वहीं खड़ा रहेगा, ये आगे निकल जाएगा। और ये किसी भी हालत में अब लोगों को हर हालत में उनको सुख दे के जाएगा। इसका नियम है कि धम्म चक्र अगर एक बार चल गया, समर संघ एक बार चल गया, तो अपने गंतव्य तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, वो रुकेगा नहीं। और इसकी स्पीड बहुत बढ़ने वाली है। स्पीड इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि इसमें किसी भी आदमी के ऊपर कोई बंधन नहीं है। और जब काम करने वाले लोग स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, तो फिर वो जो स्वतंत्र रूप से काम करने का जो मजा होता है, वो उनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की से बढ़ाता है। आप आंख में आंख डाल के किसी से भी बात कर सकते हैं। सामने वाले में कमी मिल सकती है, पर समण संघी में कमी नहीं मिल सकती, अगर वो समण संघी है तो। और अगर समण संघी नहीं हुआ है तो बनने की प्रोसेस में है, तो उसे बनना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता यही है जो हमें सुख तक लेके जाता है। इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। अगर रास्ता इसके अलावा कोई और होता तो वो हमें लोगों ने बता दिया होता, पर लोगों ने आज तक कोई रास्ता और बताया नहीं। और ये रास्ता पहले से ही बहुत सारे लोगों को सुख दे चुका है। और जिनको हम लगातार कहते रहते हैं ये हमारे विरोधी हैं, देखो ये फलाने हैं, वो भी संघ के पैटर्न पर चलते हैं, बल्कि संघ की सारी चीजें मानते हैं, क्योंकि संघ हमेशा जीतता है और संगठन हमेशा हारता है, ये वो जानते हैं जो संघ को अपनाते हैं। और जो संगठन को अपनाते हैं वो डर जाते हैं। वो इसलिए डर जाते हैं, अरे इसमें तो पगड़ी नहीं बंधेगी, अरे इसमें तो माला नहीं पड़ेगी, अरे इसमें तो सम्मान नहीं होगा, अरे इसमें तो मंच पर बैठने का कहीं चांस नहीं है, अरे इसमें तो बिना काम करे कोई पूछेगा नहीं, अरे ये कैसा संघ है, इसमें तो नेता नहीं बन सकते, ये कैसा संघ है, इसमें तो ऊंच नीच छोटा बड़ा है नहीं, ये कैसा संघ है, इसमें तो जाति नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए इसमें अपना कोई माल मसाला है नहीं। ये सारी बातें इसलिए हैं क्योंकि समण संघ पे चारों तरफ चर्चाएं होने लगी हैं। समण संघ के कारण लोगों ने इस बार 16 तारीख की बजाय 14 और 15 को बुद्ध पूर्णिमा मनानी शुरू कर दी। हरियाणा के अंदर आज गीता गोरिया बहन जी कह रही थी कि जिनको मैंने धम बताया, जिनको मैंने धम के रास्ते पर लेके गई, जब मैंने उनसे कहा कि समण संघ में चलो, तो उन्होंने बताया कि जी बुद्ध पूर्णिमा यहाँ हरियाणा के अंदर 15 तारीख को मना रहे हैं। उन्होंने कहा भाई 15 को क्यों मना रहे हैं, हर साल सोने को मिलती है, सोने क्या क्या दिक्कत है, तो या तो बाद में मने। तो पता चला कि वो ये कह रहे हैं कि जी आपको समण संघ के कार्यक्रम में नहीं जाना है, इसलिए ये कार्यक्रम दिए गए। जगह 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 कार्यक्रम लगे, और मुझे ताजु इस बात का हुआ कि सबने अधिकतर 15 तारीख के कार्यक्रम लगाए, 16 का नहीं लगाया, जबकि 16 को बुद्ध पूर्णिमा है। हमने तो 15 मई इसलिए लगाई थी क्योंकि हमें 1 मई को कार्यक्रम लगाना था, 1 मई को हॉल मिला नहीं, 15 मई को हॉल मिला तो 15 को ले लिया, अगले दिन बुद्ध पूर्णिमा पड़ी तो अच्छा हुआ कि लोग आएंगे और लोग घूमेंगे। पर हमें नुकसान ये हुआ इसमें कि महाराष्ट्र से जो बहुत ज्यादा लोग आने वाले थे, गुजरात से जो बहुत ज्यादा लोग आने वाले थे, मध्य प्रदेश से जो लोग आने वाले थे, वो बुद्ध पूर्णिमा की वजह से नहीं आए, क्योंकि उन्हें अपने बिहार में बुद्ध पूर्णिमा मनानी थी। तो हमारी संख्या तो कम रह गई, पर हमने ये सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा कि यहाँ लोग उन कार्यक्रमों को इसलिए लगाएंगे ताकि समण संघ में लोग ना जाए। भाई कैसा धम्म मना रहे हो, कैसा बुद्ध को मना रहे हो, जहाँ कार्यक्रम लगे वहां खुशी से पहुंचना चाहिए। समण सारा का सारा पुराने इतिहासकार के लोगों का है, पुराने इतिहास का है, अपने लोगों का कार्यक्रम है, समणों का कार्यक्रम है। अगर इसमें सारे इकट्ठे हो जाते तो कौन सी आबाद आ जाती। पर अभी वो समझे नहीं है बात को, उनको अभी कहीं खतरा महसूस नहीं होता, उनको लगता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है और इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है, और इकट्ठे होना है तो हमारे ही अलग अलग संगठनों में इकट्ठे होना है, ऐसी उनकी सोच है। जिनकी ऐसी सोच है वो किसी संगठन को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। ये ठीक ऐसे है कि जैसे कोई चाय की दुकान लगाए और सपना देखे कि वो इंडस्ट्री का मालिक हो जाएगा। अरे भाई चाय की दुकान लगाने वाले इंडस्ट्री के मालिक नहीं होते,
चाय की दुकान लगाने वाले बहुत ज्यादा चार कप और बढ़ा लेंगे, एक केतली और बढ़ा लेंगे। चाय की दुकान वाले ही रहते हैं क्योंकि चाय की दुकान का काम बहुत छोटा है। चाय की दुकान पर पूरे दिन में चाय बेचोगे तो 1000 रुपए की और कमा लोगे उसमें से 500 रुपए, फिर तुम्हारे खर्चे भी हैं। तो चाय वाला इंडस्ट्री नहीं लगा जा सकता। ठीक वैसे ही अगर अलग अलग 29 लाख संगठन है और ये सब चाय की दुकान की तरह 1000-1000 रुपए का बिजनेस करते हैं, यानी कि ये 4-4, 10-10, 20-20, 50-50 आदमी अपने पास रखते हैं, तो ये किसी भी हालत में संघ का काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये संघ नहीं बन सकते, क्योंकि ये छोटे छोटी इकाई हैं और संघ तो सबको मिलकर बनता है। इसलिए इनको ये समझना चाहिए कि अगर बुद्ध पूर्णिमा जैसे उत्सव पे अगर श्रमण संघ ये कहता है कि सबको एक साथ एक शहर में एक पूर्णमासी मनानी चाहिए, एक बुद्ध पूर्णिमा मनानी चाहिए, तो इसका कोई मतलब है? क्योंकि अगर आप संघं शरणं गच्छामि बोल रहे हो तो भाई बुद्ध पूर्णिमा पे संघ है कहाँ? आप 70 साल से लगातार बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हो और खूब ठोक ठोक के बोलते हो धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, ठीक है, पर जब आप बोलते हो संघं शरणं गच्छामि, संघ कहाँ है? कौन से संघ की शरण में जा रहे हो? कहाँ है शरण संघ तुम्हारा? तो इसको ऐसे बोलो संघटं शरणं गच्छामि तो अच्छा भी लगे, तो फिर तुम्हें समझ में आएगा कि जो बुद्ध का संदेश था वो तो संघ का था और तुम संगठन की शरण में जा रहे हो। तुम बना के संगठन बैठे हो और जा रहे संघ की शरण में, भाई किसको धोखा दे रहे हो? किससे धोखा कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? जब आदेश संघ संगठन शरण का है, आदेश संघ में जाने का है, तो संगठन की शरण में क्यों जा रहे हो और क्यों संगठन बना के बैठे हो? ये बात हर उस व्यक्ति को पूछना चाहिए जो व्यक्ति ये समझता है कि आगे आने वाला कठिन बहुत समय बहुत कठिन है, जो ये समझता है कि अब हमारा काम नहीं बनने वाला है, जो ये समझता है कि सबको इकट्ठा होना ही पड़ेगा, जो ये समझता है कि बिना इकट्ठे हुए हमारी बात नहीं बनेगी, जो ये समझता है कि चंदा देने से नुकसान हो रहा है, जो ये समझता है कि अगर हम अब चुप रहे तो मारे जाएंगे, जो ये समझता है कि अगर ये नहीं मानते हैं तो हमको इकट्ठा हो जाना चाहिए। इसीलिए समर संघ के अंदर ऐसे लोगों की लाइन लग गई कि हमको इकट्ठा होना है, हमको इकट्ठा होना है, हमको इकट्ठा होना है। पूरे भारत में अब तक जितने भी लोगों ने काम किया है लोगों को इकट्ठा करने का, ये समर संघ उन सब में सबसे तेज स्पीड से है। अगर आप अच्छी नीयत से और अच्छे मन से और बिना लालच के और सेवा भाव से और बिना किसी पद के, बिना किसी पोस्ट के, बिना किसी नेतागिरी के, बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रसिद्धि के, जितनी बीमारियां इनको छोड़ के अगर आप जुड़ते रहे, समर संघ की गारंटी है कि जैसे जैसे आप जुड़ते जाओगे वैसे वैसे आप सुखी होते जाओगे, जैसे जैसे आप जुड़ते जाओगे वैसे वैसे आप सुरक्षित होते जाओगे, जहां जहां आप जुड़ते जाओगे वहां वहां आप आर्थिक रूप से सबल होते जाओगे, जहां जहां जैसे जैसे अब तक लोग जुड़े हैं वो सारे के सारे सुखी हुए हैं। ये समर संघ की गारंटी है। ये गारंटी कोई संगठन नहीं दे सकता, पर संघ दे सकता है। संघ इसलिए दे सकता है क्योंकि संघ ने किसी का रास्ता बंद नहीं किया। संघ में सब आ सकते हैं। जितने भी सामाजिक संगठन हैं जो आपस में लठ लेके बैठे हुए हैं, जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ हैं, जिनके कार्यकर्ता एक दूसरे को लड़ते हैं, एक दूसरे को गालियां बकते हैं, वो समर संघ में 15 तारीख को मिलेंगे आपको, वहां वो आ सकते हैं। क्योंकि समर संघ संगठन नहीं है। जितने भी कार्यकर्ता हैं जो एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन हैं पर समर हैं, वो समर संघ में बैठ सकते हैं पर अपनी राजनीतिक पार्टियों में नहीं बैठ सकते। वहां तो एक दूसरे के दुश्मन है। अगर वो दुश्मनी नहीं करेंगे तो उनकी वोट चली जाएगी, तो वो हार जाएंगे, तो उनको डर रहता है, तो वो इकट्ठे नहीं होते। हालांकि वो जीतेंगे नहीं, क्योंकि अगर सारे समण भी इकट्ठे हो गए तो भी तब जीतेंगे जब वो एक मत में एक दिशा में चलेंगे। अगर एक मत एक दिशा में नहीं चलेंगे तो भी हार जाएंगे, क्योंकि समणों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इकट्ठे होने के बाद भी एक मत में और एक दिशा में चलाने के लिए उनको बिना लालच का, बिना राग राग द्वेष का, ऐसी जगह चाहिए, ऐसी संघ चाहिए जहां टकराव ना हो। और समर संघ ऐसी जगह है जहां किसी का टकराव हो ही नहीं सकता, क्योंकि समर संघ पैसा नहीं लेता तो टकराव क्या होगा? तो इसके अंदर पद नहीं, पोस्ट नहीं तो टकराव क्या होगा? तो इसके अंदर छोटा बड़ा नहीं तो टकराव क्या होगा? तो इसके अंदर जाति भेद नहीं तो टकराव क्या होगा? तो इसके अंदर सब व्यक्तियों को जो नर है उनको सर कह के बोलते हैं और जो महिला है उनको बहन जी कह के बोलते हैं, तो सबको बराबर इज्जत है, तो टकराव क्या होगा? टकराव के सारे रास्ते समर संघ में पहले से ही बंद है, और अगर कोई नया आएगा तो उसे बंद कर देंगे। तो यहाँ हर हालत में आना ही आना है और सुख ही सुख प्राप्त करना है, जुड़ना है और जोड़ना है। इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता, और अगर इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म होगा तो संघ का ही होगा और कोई नहीं हो सकता। यानी संघ अपने आप को इम्प्रूव करके बेहतर बना सकता है, पर इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता। 1 साल से तो खूब चिल्ला रहे हैं हम,
भाई किसी के पास इससे बेहतर कोई आइडिया हो, संघ से बेहतर कोई चीज हो तो बता दे। अभी तक तो कोई आया, लाखों लोग आए, लाखों लोग गए, लाखों लोग सुनते हैं, वीडियो भी सुनते हैं, पोस्ट भी सुनते हैं, पर कोई कहने को तैयार नहीं कैसे बढ़िया है। और जितने भी लोग आए और गए उन्होंने कहा कंसेप्ट बहुत बढ़िया, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत जहाँ आ रही है उसको हम दूर दूर करते हैं। किसी को व्यक्तिवाद से दिक्कत आती है वो भी दूर करने वाले हैं, 15 मई को हम व्यक्तिवाद पूरी तरह से इसमें साफ कर देंगे। वैसे तो इसमें है ही नहीं, पर डिक्लेयर हो जाएगा कि अब इसके अंदर व्यक्तिवाद संघात माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। तो कोई कहता है कि इसके अंदर ये कमी है वो भी दूर कर देंगे, हर चीज इसके अंदर से दूर कर देंगे जो इसको रोकेगी। संघ नहीं रुकेगा, आदमी को जिसको रुकना है रुक जाए, जिसको जाना है जाए, जिसको भागना है भागे, जिसको काम करना है करे, पर संघ नहीं रुकेगा। संघ को रोकने वाली हर चीज को खत्म किया जाएगा, क्योंकि संघ हमारी मुक्ति का रास्ता है। अगर ये रुक गया तो हमारी मुक्ति और हमारी आजादी और हमारी प्रॉस्पेरिटी और हमारे हमारे भारत का सशक्तिकरण और हमारे भारत की छवि सारी की सारी रुक जाएगी। इसलिए इसके बीच में जो भी आएगा उसको खत्म कर दिया जाएगा, किसी को प्यार से, किसी को दुलार से, किसी को धिक्कार से, किसी को समझाकर, किसी को बुझाकर, किसी को जोर जबरदस्ती, पर संघ नहीं रुकेगा, संघ को नहीं रुकने दी जाएगा। क्योंकि संघ रुक गया तो नस्ल खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब जब नस्लों की हानि होती है तब तब संघ आता है। अब नस्ल की हानि है, नस्ल के ऊपर सवाल आ गया है, नस्ल हमारी पूरी तरह से खड़ी हुई है मौत के सिराने पर, हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब भी नस्लों पे कोई खतरा आया है संघ बाहर आया है, संघ फिर बाहर आ गया है, ये हमें बचाएगा, हमारी नस्लों को बचाएगा। इसलिए 15 मई को जितने लोग आ रहे हैं उनकी संख्या 1000+ लगभग हो गई, 125 करीब रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ है, अभी 36 घंटे बाकी हैं, ये लगभग 1000 के आसपास में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जिनका खर्च आ जाएगा। और उसके बाद में जो लोग आएंगे वो एक्स्ट्रा आएंगे, एक्स्ट्रा लोगों का नहीं पता कि कितने आएंगे, क्योंकि सबके पास फोन आ रहे हैं, पर हम ये मानते हैं कि जो व्यक्ति अपना खर्चा जमा कराता है उसके आने की गारंटी 80% है, अगर उसके साथ में कोई दिक्कत ना हो। पर जो व्यक्ति आने का आश्वासन दे देता है उसके आने की गारंटी 20% है, क्योंकि उस दिन गर्मी भी ज्यादा रहेगी, गर्मी का मौसम है, मैंने मौसम देखा है तो लगभग दिल्ली के अंदर 45-46 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, सुबह को कम रहेगा, 28-29 रहेगा। तो जो लोग सुबह सुबह आ जाएंगे वो एसी में अंदर आ चले जाएंगे, अंदर तो टेम्परेचर बहुत, हॉल के अंदर तो एसी का रहेगा। तो जो लोग एक बार दोपहर में नहीं निकल पाए, हो सकता है उनका पैसा तो जमा है नहीं, उनका मन ना करे, पर ऐसा भी हो सकता है कि लोग रुझान बहुत ज्यादा हो संघ के प्रति और वहां 200, 300, 400, 500 एक्स्ट्रा हो जाए। कहीं अगर 300, 400, 500 एक्स्ट्रा हो गए तो फिर वहां थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं। वो समस्याएं इस बात की आ सकती हैं क्योंकि वहां हमको खाना नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा, खाना जितना हमने बुक कराया है अभी तक हमने 1000 लोगों का बुक कराया है, तो 1000 का हमें डब्बा मिलेगा। पर इसकी कोई चिंता नहीं है, चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ लेके आ रहा है, कोई रोटी लेके आ रहा है, कोई केले लेके आ रहा है, कोई बिस्कुट लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, फिर डब्बा भी भारी है, उसके हम बांट के खा लेंगे, संगी हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इसलिए 1500 तक 1600 तक कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सब कुछ ना कुछ लेके आएंगे, कुछ खाना वहां वहां का होगा, काम चल जाएगा। और इससे ज्यादा भी अगर आ गया तो भी दिक्कत नहीं है, अगर 1700 लोग भी आ गए, 1800 तो भी दिक्कत नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। कि दिल्ली है, 4 गाड़ियां जाएंगी, जहां जिस होटल में जो मिलेगा लेके आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि संघ में कभी कोई आज तक भूखा गया नहीं, इतनी सारी संगति हुई है, सबने मिलकर खाया है पर भूखा एक भी नहीं गया, सबने बल्कि खाना बसता ही बसता है, इसलिए उसकी चिंता नहीं। पानी सब अपना लेके आएंगे, पानी वहां भी है, पर फिर भी पानी अपना लेके आइए, गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो जूस लेके आइए, जो रूह अफ़ज़ा है वो लेके आइए, जो पन्ना है वो लेके आइए, जो दही का शरबत है वो लेके आइए, खुद भी पीजिए और को पिलाइए, और रूह अफ़ज़ा तो सभी लेके आइए, क्योंकि वहाँ एसी में बोतल रखेंगे तो वो ठंडी हो जाती है, 2-3 घंटे में आपकी रूह अफ़ज़ा की बोतल ठंडी हो जाएगी, खूब सारा रूह अफ़ज़ा 2-3-4 लीटर बना बना के लाइए, खूब पीजिए, खूब पिलाइए, मोटा मुंह मीठा कराइए। आपने देखा होगा कि रमजान के दिनों में जिनके पास कुछ नहीं है वो भी लोगों को अपने खाने पीने का ऑफर करते हैं, कितनी दावतें होती हैं पूरे 30 दिन तक, लोग जो गरीब से गरीब है वो भी लाता है, यहाँ तो कोई ऐसी स्थिति है नहीं। इसलिए पानी की बोतल लाइए, लोगों को पिलाइए, अपने गिलास भी साथ लाइए, कुछ गिलास वहाँ मिल जाएंगे, यानी अपने बंदोबस्त से आइए, ये समझ के कि घर जा रहे हैं, ये समझ के मत आइए कि आप वहाँ किसी मीटिंग में जा रहे हैं, ये मीटिंग नहीं है, ये घर है। दरअसल हर व्यक्ति के अंदर एक सेवा का भाव होना चाहिए, देने का भाव होना चाहिए, इतनी सेवा का भाव होना चाहिए कि सेवा लेने वाले कम पड़ जाएं और सेवा देने वाले ज्यादा पड़ जाएं, तो संघ है। और वहां बैठे रहे और सेवा दी नहीं और सेवा लेते रहे तो फिर ये संघ की बजाय संगठन बन जाएगा। इसलिए संघ में होता है कि संघ में सारे संघी सेवा ही देते हैं और वहां सेवा लेने वाले होते नहीं, तो एक दूसरे की सेवा करते हैं, वही सीन हमको क्रिएट करना है। और आज तक हुआ भी ऐसा ही है, जितनी भी हमारी श्रवण संघ की
संगति हुई है, वहां हमने यही देखा है कि सारे समण संगी सेवाकार में बदल जाते हैं, सेवक में बदल जाते हैं, सेवा करने वाले में बदल जाते हैं। दो चार ऐसे होते हैं जो अकड़ के पीछे हाथ करके खड़े रहते हैं, वो तो हर जगह होते हैं, उसकी चिंता ना करें, हमें उनकी भी सेवा करनी है, क्योंकि अगर उनकी सेवा नहीं करेंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा, हम ही करेंगे, हमारे भाई है। इसलिए सेवक बन के आए, सेवाकार बन के आए और कुछ देने की स्थिति से आए और शांति से बैठे, सफेद कपड़े पहन के आए, और गर्मी है तो सर पे कोई सफेद कपड़ा बांध के आए, अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी एसी में तो हॉल में जरूरत नहीं पड़ेगी पर आने जाने में गर्मी पड़ेगी, कहीं किसी को हीट स्ट्रोक ना हो जाए, अच्छा खासा कार्यक्रम है, किसी को हीट स्ट्रोक पड़ गया, इलाज तो मिल जाता है पर ऐसी आफत क्यों आए। इसलिए सफेद कपड़े पहने और सर से कुछ ना कुछ बांध के आए तो अच्छा रहेगा। पानी की मात्रा ज्यादा रखें, किसी कोई दवाई है तो वो भी रखें, और सुबह सवेरे जल्दी चलें ताकि ठंड ठंड में चले जाएं, और शाम को यहाँ से 5-6 बजे जाएंगे तो ठंड ठंड में वापस जाएंगे, इसलिए गर्मी से आप बचे रहेंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग आने वाले हैं, खूब मिलिए, खूब उनसे बातचीत करिए, खूब एक दूसरे का पता पूछिए, खूब एक दूसरे का नाम पूछिए, खूब सारे फोटो खींचिए, खूब सारे वीडियो बनाइए, खूब डालिए। ये पारिवारिक उत्सव है, हम रोज यहाँ आपको कंसेप्ट बताते हैं, आप हमें बताते हैं, सब एक दूसरे को कंसेप्ट बताते हैं, कंसेप्ट तो हम सब जानते हैं, कंसेप्ट को वहां पर प्रैक्टिस करने का दिन है, यानी जो हम बता रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं समर संघी का, वो समर संघ का व्यवहार में लगाने का दिन है जब हम मिलते हैं। कंसेप्ट वहां क्या नया होगा, यही कंसेप्ट जो हम बोलते हैं वही कंसेप्ट होगा, सारे लोग यही बोलेंगे, वो हम सब जानते हैं। हाँ, नए लोग जो आते हैं उनके लिए कंसेप्ट बोला जाता है, बताया जाता है, वो जरूरी भी है, पर पुराने लोग तो मिलने मिलाने के हिसाब से, एक दूसरे से गले मिलने के हिसाब से, एक दूसरे को मिठाई खिलाने के हिसाब से, एक दूसरे का हालचाल पूछने के हिसाब से आए। हर व्यक्ति का गुजरात जाना संभव नहीं है, पर गुजरात के लोग यहाँ आ रहे हैं, आप लोग इधर आ रहे हैं, तो गुजरात से मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा, देर सवेर संघों का, सब संघियों का एक दूसरे से मिलना जुलना रहेगा, काम आएगा, तो फायदा होगा। ये संघ का सबसे बड़ा फायदा है, और यही फायदा हमारा अब तक रोका गया है, यानी कि हमको मिलने से मिलाने से रोका गया है। जब हमने यहाँ शुरुआत की थी तो मिलने और मिलाने से की थी, आज वो शुरुआत हमारी इतनी जबरदस्त हो गई है कि अब हम एक दूसरे के काम भी आने लगे हैं और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने लगे हैं। कितना मनोबल बढ़ जाता है इस बात से कि देखो हमारे लोग कहाँ कहाँ हैं। आप गुजरात में चले जाओ, वडोदरा में, तो वहां आपको टीम मिलेगी, आप सूरत में चले जाओ वहां टीम मिलेगी, आप केरल में चले जाओ वहां टीम मिलेगी, आप मद्रास में चले जाओ वहां लोग मिलेंगे, आप आंध्र प्रदेश में चले जाओ वहां लोग मिलेंगे, आप हरियाणा में चले जाओ वहां लोग मिलेंगे, आप दिल्ली में आ जाओ यहां लोग मिलेंगे। अरे कम से कम आपका फोन रिसीव करने वाला तो है, कम से कम आपको सही गाइड तो कर देगा, अगर समय भी नहीं दे पाएगा, जो जिसके पास है वो देता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सर्विस है कि आप कहीं जाते हैं तो आपको आपका भाई वहां बात करने के लिए मिल रहा है। इससे बढ़िया समर संघ की तरक्की और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जिद कर लें कि अब हम जुड़ेंगे, जिद कर लें कि अब हम जीतेंगे, क्योंकि हर हालत में जीतना है, हर हालत में जुड़ना है। 15 तारीख को जो जिसको और लेके आ सकता है ले आए, ना खाने की चिंता करें ना पीने की, हम खाने पीने नहीं आ रहे, हम मिलने मिलाने आ रहे हैं, खाना पीना होता रहेगा पर मिलना मिलाना बार बार नहीं होता। इसलिए सब लोग जितने ज्यादा ज्यादा लेके आए लेके आए, 1600-1700 की कैपेसिटी उसकी हॉल की है, वो आराम से झेल लेगा। अभी 1000 के आसपास रजिस्ट्रेशन होने का चांस है, और बाकी लोग जो 300-400 आएंगे वो देखा जाएगा जैसा मौसम होगा। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.
तुम्हें सर्वं गच्छामि। Singam sirnam gacchami।